गाइस, माँ जो होती है ना सच्ची योद्धा होती है, और हमारी निशा किसी योद्धा से कम नहीं है। मौसी, शादीशुदा जिंदगी अच्छा रहा है कि पहले क्या अच्छा रही? सच सच बताइए, पहले के अच्छा रहे, यानी मैं भी। फैमिली, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस प्रशून में। तो दोस्तों, आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। बाकी कल तो बर्थडे मैंने बहुत बहुत मस्त बहुत मस्त मनाया, देखा ही आप लोगों ने। और अभी मैं सुबह सुबह नहा वहा के बस थोड़ा सा फ्रेश हो गई, और इधर मेरी तितली भी जग चुकी है, देखिए कैसे ही पैर खाना भी चालू कर दिया आजकल। सोनू तितली, तो बाबू को इधर खिला विला रहे हैं, सब खाना पीना तो नाश्ता वगैरह बन ही गया है। बट अभी क्या है कि मम्मी जल्दी जाने वाली है शादी में, तो हम नहीं जा पाएंगे। बस मम्मी जाने वाली है, रिसेप्शन के हो सके तो हम, ये बाबू, पापा जी, सबको ही जाएंगे। बट अभी कुछ श्योर नहीं है, अभी डिपेंड करते हैं, क्योंकि इतनी छोटी बाबू है, मैं कभी ट्रैवल नहीं की हूँ इधर शादी वादी में। हेलो दोस्तों, ये भी अभी तक नहा हुआ है नहीं है, ये लोग नहीं है। बाकी यहाँ पे बारिश हो रही, इतना मौसम ठंडा, मौसम काफी अच्छा है, तो क्या नहाओ, सुबह सुबह में पढ़ा के आ रहा हूँ अभी। तितली को देखिए, पैर दोनों खाना सीख गई बेटा। बेटा मेरे आपका, और इनको भी जाना है पटना वगैरह, तो ये भी जाएंगे। मम्मी जी भी जाने वाली है शादी में, पापा जी तो अपने बिजी रहेंगे, और जो और एक छोटे देवर है वो भी शॉप में ही रहेंगे। तो कैसे मैं अकेले रहूंगी बाबू को लेके, आई डोंट नो, बताइए। ये लोग मुझे लेके आए घर से, कोलकाता से, कि यहाँ साथ में रहेंगे, और सब भाग जा रहे हैं छोटे छोटे मुझे। हाँ, दांत निकल रहा है इसका, दांत निकल रहा है भाई, तितली दांत निकल रहा है इसका, ओ माय गॉड, देखिए एक दांत निकला है छोटू सा, गाइस दांत निकल रहा है इसका, दोनों एकदम मैचिंग पहने तो खूब सुंदर लग रहा है। पापा बेटी है, मेला बेटू है, हम लोग ऐसे ड्रेस पहना जाएगा एक कलर का, ठीक है। हाँ, चलो बात से यही खरीदा जाएगा, आज से खरीदा जाएगा हम लोग। हाँ बेटू, मेरा तो येलो कलर का है, नहीं मेरा ही खरीदना पड़ेगा, आप लोग का तो है ये, खाली अपना खरीदवाने के चक्कर में नहीं लिया जाता है, खाली इतना खरीदवाने के चक्कर में रहती है ये, खाली अपना कपड़ा। मैं ये कपड़ा कितना दिन से पहन रहा हूँ, आप लोग ब्लॉग में बाबू दांत है इसका, यार दांत हला रही है, तो ये भी अब निकलेंगे थोड़ा देर में। तो मैं वही बैठे बैठे सोच रही थी कि कैसे मैं अकेले सब कुछ मैनेज करूंगी, खाना बनाना, देन घर का काम, देन बाबू को संभालना, देन बाबू को बहुत सारा काम रहता है। जिन लोगों को बेबी है उन लोगों को पता ही होगा कि बेबीज का कितना सारा काम रहता है। गाइस, माँ जो होती है ना सच्ची योद्धा होती है, और हमारी निशा किसी योद्धा से कम नहीं है। बस ये बोल के ही आप लोग सब काम निकलवा लेते हैं। बाकी गाइस, अभी तो मम्मी जी जैसे ही आ जाएंगी वैसे ही हम लोग जाने वाले हैं, बहुत कुछ सरप्राइज है। आप लोग गेस कीजिएगा हम लोग जल्दी बहुत जल्दी कहाँ जाने वाले हैं, तब अभी तो नहीं बताएंगे, बट बहुत जल्दी बहुत एक अच्छी जगह पर जाने वाले हैं। वहाँ जाना चाहते हैं जहाँ पर आप लोग देखना चाहते हैं हम लोगों को, तो फिर से वहाँ जाना चाहते हैं, तो मजा आएगा। बाकी ये लोग देखते हैं मम्मी का थोड़ा बहुत कुछ पैकिंग वोकिंग भी करवाना है, क्योंकि लगभग 5-6 दिन के लिए वो जा रही है शादी में, अपने भतीजे की शादी में ना। वो मेरे से 1 साल बड़ा है भाई, और कोशिश करते कि हम भी जाते, लेकिन अब याद तो फिर माँ जाएगी, तो फिर बाबू को संभालना होगा, स्कूल, फिर घर भी थोड़ा बहुत निशा की हेल्प, क्योंकि मेरे दोनों भाई को कुछ आता नहीं कुकिंग वगैरह, तो मैं तो हेल्प कर सकता हूँ निशा का, तो मुझे तो रहना पड़ेगा। तो नहीं, आप भी तो जाएंगे ना रिसेप्शन में, तो रिसेप्शन थोड़ा शादी का समझ सकते, थोड़ा धूम धड़ाका डांस मौज मस्ती होता है रिसेप्शन में, क्या होगा, कोई नहीं, हम लोग रिसेप्शन में मुर्गा चावल खाइए और चुपचाप घर चली आइए। कल भी ये गए हुए थे शादी में, डेली इनका शादी लग रहता है आजकल। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, मतलब घर रूम में इतना कम स्पेस है कि बाबू का झूला मैंने अपने पास रखा है, बाकी रात को यहाँ नीचे मैं रख देती हूँ। तो फिर मम्मी का थोड़ा पैकिंग वोकिंग करते हैं मदद, और ये भी जाएंगे एडमिशन करवाने पर्पस से, खुशी दीदी आप लोग जानते ही है, उनका एडमिशन करवाने जाना है, तो चलते हैं। बैलून अभी तक साझा वाजा है, मम्मी इधर अपना पैक कर रही है। दोस्तों, फाइनली मम्मी जी हो गई घर तैयार वगैरह होकर, एकदम सो भी गई है आराम से, क्योंकि जो जिसके साथ जाने वाली है, मतलब हिमांशु के साथ जाने वाली है, वो एकदम बिजी है शॉप में, क्योंकि आजकल लगन का टाइम चल रहा है, आप लोगों को पता ही होगा, तो थोड़ा सा बिजी चल रहा है। बाकी वहाँ पे भी शादी का फंक्शन दोपहर से चालू ही हो जाएगा, तो मम्मी देखते हैं कब जाएगा, लगेज वगैरह सब तैयार है, मम्मी जी को पाँव में आलता मेहंदी वगैरह सब लगा दी, मेहंदी नहीं लगाया मैंने, मैंने मेहंदी वहाँ पे जाके लगा लीजिएगा, क्योंकि अभी शादी को काली शादी का तो आज ही लगाएगी, पर जाके रख दी काली शादी, हाँ तो रंग वाला लगा कर ना, तो आज रात में तो मेहंदी मैंने बोला कि जाके अच्छे से लगवा लीजिएगा, ताकि 2-4 दिन रहे रिसेप्शन तक, और आलता तो मैंने लगा दिया है, और जब मेरे बाबू अभी तक सोए ही हैं, दोनों दिन सो गए एकदम आराम से मस्त,
तो चली, वो भी चले गए अभी तुरंत, बापू जाना था एडमिशन करवाने। खुशी दीदी तो बहुत ज्यादा रो रही थी क्योंकि कभी घर से बाहर रही नहीं है और आज मतलब गई तो थोड़ा सा दुखी दुखी सा हो गए थे सब। पापा जी भी थोड़ा रो रहे थे आँख में आंसू, मुझे अपना खुद का याद आने लगा तो जब उनको रोता देखा तो चलिए अभी मम्मी जी भी थोड़ा देर में निकलेंगे, उसके बाद बस हम और बाबू बच जाएंगे, पापा जी रहेंगे और वो तो आ जाएंगे मम्मी को छोड़ के। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और गाइज आप सभी को पता है कि मैं खुशी का एडमिशन कराने के लिए आया हूँ पटना, और ये देखिए बगल में बैठी है मेरे। अभी हूँ मैं मौसी के घर पे और बहुत दिनों बाद मौसी से मिले हम लोग, बाकी हमारे भाई साहब भी आए हुए हैं। और यहाँ पर देखिए मौसी को तैयार किया जा रहा है, आंटी जी भी आई हुई है, खुशी की मम्मी। आंटी जी इधर आई, आपको कोई बहुत कोई तनी कम दिखाई दे रही। तो गाइस अभी खुशी की मम्मी से मिलवाता हूँ मैं अपनी आंटी जी से, वो भी है कहाँ चल गई रे मम्मी बोला बोला। तो गाइस आधी फैमिली तो नहीं आई है लेकिन थोड़ी बहुत फैमिली छोटी मोटी आ गई यहाँ पे घर से उठ के। और मौसी को देखिए, ये हमारी टिमिनी दीदी है, रे टिमिनी दीदी, अब मेहंदी चढ़ा रही है। और आज मौसी का एनिवर्सरी, तो गाइज आप लोग मतलब एक बार प्यारा प्यारा कमेंट करके विश कर देंगे मौसी को। और पता है गाइज मौसी शादीशुदा जिंदगी अच्छा रहा है कि पहले क्या अच्छा रही, सच सच बताइए। पहले क्या अच्छा रहा, यानी मैं भी फंस चुका हूँ मौसी की कैटेगरी में, मैं भी शामिल हो चुका हूँ। ये बस ऐसा कुछ नहीं, ये तो बस मस्ती मजाक था। बट देखिए इधर मस्त मौसी को मेहंदी लगाया जा रहा है और मौसी मस्त साड़ी पहनी हुई है, तैयार हो चुकी है। थोड़ी देर में करेंगे केक कट और उसके बाद निकलेंगे हम लोग घर के लिए। बट आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ब्लॉग में बने रहे, धमाकेदार पार्टी होने वाली है। हैप्पी एनिवर्सरी। धोखेबाज मामा है, मामी को नहीं लेकर आए, हाथ ना लड़का सुन भरस होने जाए, मामी के इंतजार में बैठे। वर्षा मामी आप कहीं कहीं बरस रही लेकिन अमनोर में नहीं बरस रही है, चारों तरफ बारिश हो रहा है अमनोर को छोड़ के। तो गाइस अभी चलना है मामी के पास मिलने के लिए, कैसा है चलना है ना कल है मामी नहीं खेला, चला अच्छा बात भाई, अच्छा बात नहीं के देखिए भाई पूछे थे मामी आ रही है, मामी इतनी पार्टी में चार चांद लग जाए गाइस, एकदम बारिश की कमी है बस। बहुत मेहनत गाइस, देखिए आज आंटी जी की सब बहन लोग यहाँ पे बैठ रही हैं, पूरा गॉसिप चल रहा है ना, सब सुख दुख बतिया होता लोग। तो गाइस अभी हम लोग की है बारी खाना खाने की, और देख लीजिए सर्व कर रहे हैं सभी यहाँ पे, और छोटा भाई एकदम मस्त लपेट रहा है, तो हम लोग भी लेट नहीं कर कर लपेटते हैं। मौसा जी सब एकदम देख रहे हैं खाना पीना, चला जाए खाने चलिए। तो गाइज मस्त डिनर हो गया और अब वक्त हो चुका है यहाँ से निकलने का क्योंकि घर जाने की बारी है। बाकी आप दोनों को शादी की सालगिरह की एक बार फिर से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और गाइज अब निकलते हैं हम लोग घर के लिए क्योंकि देख लीजिए पीछे कितना बज रहा है, अभी रात के 11 बज रहे हैं और 12 बज जाएगा, और रुक भी जाते हैं लेकिन घर जाना जरूरी है क्योंकि निशा के लिए वहाँ पे माँ है नहीं घर पे, तो चला जाए। देखिए सारा मंडल खुशी को हम लोग छोड़ के जा रहे हैं, बेचारी बहुत मिस करेंगे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, खूब मस्ती करेंगे घर पे जाके अकेले और इन्जॉय करेंगे, ये नहीं है तो।